हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। आ गया हूँ फिर से एक नया ट्रेलर का रिएक्शन वीडियो लेके। ये मूवी का ट्रेलर जो है वो 3 हफ्ते पहले लॉन्च कर गया था, बट मैं बहुत दिनों के बाद लेके आ रहा हूँ आपका दोस्त, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर लोग ने ये इस मूवी का ट्रेलर के बारे में पता नहीं होगा, तो मुझे लगा कि भाई चलो सबको पता देना जरूरी है भाई। तो दैट इज़ वाई आई एम हियर विद द ट्रेलर ऑफ श्रीकांत मूवी बाय राजकुमार राव, शरद एंड ज्योतिका। ज्योतिका मैम जो कि लास्ट हम लोगों को दिखाई दिए थे सैदान मूवी में एज अ माँ का रोल में, एंड वो भाई छा गए हैं, अभी उनका मूवी बॉलीवुड में छा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी करके देखते हैं ट्रेलर कैसा है, उसका रिएक्शन करते हैं। 1, 2, 3 एंड गो। हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। नाइस। हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स। थैंक यू सर। हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। व्हाट इज योर नेम यंग मैन? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। शुरू किया था आ तो भाग जाता ना वहाँ से। कहा भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा एंड आवर न्यू हेड बॉय इज श्रीकांत। 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए थे। एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, मान नहीं रहे कॉलेज वाले। पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। सर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर। इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत। तुम्हारी कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT सबके बारे में पता है मुझे। सर, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रैवल अलोन इन द फ्लाइट। तो आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा MIT में एडमिशन हुआ है। आई कैन नॉट लेट यू फ्लाई अलोन। सर आई नीड यू, ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी। सर आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं। मेरा एडमिशन नहीं होगा वरना। समवन प्लीज हेल्प मी। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है। हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा इतना बुरा हुआ इसके साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। भैया अंधे के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लिटरली भाई वाह भाई वाह। अलग ही मजा ला के रख दिया है भाई इस ट्रेलर में। गजब, आई मीन गजब। राजकुमार राव का भाई एक्टिंग को लेके कोई कभी सवाल उठा ही नहीं सकता, मैं भी नहीं उठाऊंगा। ही इज ब्रिलियंट ऑन अनदर लेवल। जो कहानी की सीरीज एंड द डायरेक्टर सुसर हीरानंदानी ने जो कहानी हम लोग के सामने लेके आ रहे हैं, वो एक सच्ची कहानी है श्रीकांत बोला का, एंड दैट इज अ रिमार्केबल फिल्म, एंड दैट इज अ रिमार्केबल स्टोरी, दैट इज अ रिमार्केबल इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यूथ ऑफ आवर इंडिया। दिस इज ऑसम। राजकुमार राव
एज यूजुअल अपने कलाकारी अपने एक्टिंग में, एंड इसमें कोई शक नहीं है। बाकी बच गया हमारे जो भी बैकग्राउंड स्कोर वगैरह, मूवी तो भाई बहुत झकाझक होने वाला है। 10 मई को रिलीज होने वाला है मूवी, और 4 दिन के बाद, तो जरूर जाके देखें मूवी को। सीरियसली आई एम सेइंग टू यू, ये मूवी छा जाएगा, सीरियसली छा जाएगा, सीरियसली। मैं तो जरूर देखूंगा मूवी को जाके, देख के आप लोगों को रिव्यू जरूर दूंगा। आप लोग बताना कैसा आप लोगों को लग रहा है मूवी एंड ऑल दैट। एनीवे दिस इज फॉर टुडे गाइस, ट्रेलर का रिएक्शन वीडियो इतना तक था, एंड कैसा आप लोगों को लगा मुझे जरूर बताइए। मैं वेट करूंगा आप लोगों का कमेंट के लिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल में लाइक वगैरह करो, कमेंट करो, बताओ मुझको क्या कमियां है मेरे वीडियो में, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।